ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप यहां जानेंगे कि एक्सेल में कितने प्रकार के फॉर्मूलेज का प्रयोग किया जा सकता है। देखेंगे कि एक्सेल में कितने प्रकार के फॉर्मूलेज होते हैं, तो यहाँ पे केवल हम इंट्रोडक्शन फॉर्मूलेज के बारे में आपको बताएंगे। तो ये फॉर्मूले कहाँ पे मिलेंगे और हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा ऊपर एक्सेल के बहुत सारे मेन्यू हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज के नाम से आइकन आ रहा है, यहाँ पे मेन्यू आ रहा है। इसमें कई प्रकार के फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला जब भी इंसर्ट करते हैं हम, तो इंसर्ट फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए आप इंसर्ट यहाँ पे, यहाँ से हम फार्मूला कर सकते हैं। और इजिकल टू का जो आपका इक्वल का चिन्ह नहीं है वाला, इससे हम किसी भी फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सम है, सम को हमने क्लिक किया तो फार्मूला आ गया। यहाँ पे हम नंबर, पहला नंबर और दूसरा नंबर को ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे पूर्व के वीडियो में आपको बताया था। तो इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई प्रकार के जो फॉर्मूलाज है, जैसे ऑटो सम दे रखा है जिसमें हम अपने आप सम को ऑटो कर लेते हैं, एवरेज हो गया, काउंट नंबर हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकालने के लिए, और मोर फंक्शन भी बहुत सारे हैं इसमें जो मैथ से संबंधित फॉर्मूले यहाँ पे किए जाते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक्सेल का प्रयोग करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे पेरोल हो गया आपका और इनकम टैक्स का हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, जैसे आपका स्कूल का मार्कशीट हो गया। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर इसमें आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो आपने देखा ये बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए कितने सारे फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट अगर हम जिस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉजिक है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले जिसमें एंड, लॉजिकल, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉजिकल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे एंड, फॉल्स, इफ एरर, ये बहुत सारे फॉर्मूले, और ट्रू, इस प्रकार। तो एक फॉर्मूले का हम बाद में प्रयोग करके आपको दिखाएंगे, और धीरे धीरे अन्य वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि आपको कि एंड, फॉल्स, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद टैक्स से संबंधित फॉर्मूले यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं सर्च, राइट, रिप्लेस, प्रॉपर, लोअर, ये बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं ये टैक्स से संबंधित हैं। इसी प्रकार डेट और टाइम वाले बहुत सारे फॉर्मूले, डेट इंसर्ट करनी हो या डेट वाला फॉर्मूला लगाना हो, डेट वैल्यू लगानी हो, तो इन सब का प्रयोग इनकम टैक्स में और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर जनरेट करने में किया जाता है। बहुत सारे जो शॉपकीपर है वो भी एक्सेल में अधिकतर अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसके बाद लुकअप और रेफरेंस, इसमें भी बहुत सारे आपके देखना फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे एड्रेस हो गया आपका, हुकअप कमांड हो गई, हाइपरलिंक हो गया, लुकअप, इनडायरेक्ट, मैच, बहुत सारे दे रखे, रोज बहुत सारे फंक्शन हैं। इसके बाद मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो ज्योमेट्री आदि में यूज होते हैं। ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे डेसिमल निकालना, डिग्री का प्रयोग करना, कॉस्ट थीटा, साइन थीटा, बहुत सारे हैं, लॉग, राउंड अप करना, किसी संख्या को राउंड अप कैसे किया जाता, ऑड निकालना, इवन निकालना। इसके बाद बहुत सारे रैंड नंबर, राउंड अप करना किसी नंबर को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल, सब टोटल, सम इफ, बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन दिए हुए मैथ्स के। इसके बाद मोर फंक्शन और भी हैं, यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स, जो हम अधिकतर इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। यह देखिए स्टैटिक्स के फॉर्मूले हैं और इनका प्रयोग हम स्टैटिक्स में करते रहते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले दिए हैं क्योंकि एक्सेल अपने आप में बहुत ही वाइड सॉफ्टवेयर है, जिसमें अनगिनत फॉर्मूलेज, कमांड्स हैं, जिसमें आप कई प्रकार की समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं।
इसके बाद इंजीनियरिंग के हैं बहुत सारे फॉर्मूले, देखिए इंजीनियरिंग से संबंधित है फॉर्मूले बहुत सारे, जो बिल्डिंगों के डिज़ाइन से संबंधित कुछ फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ती है, एरिया कैलकुलेट करना आदि के लिए इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद क्यूब से संबंधित फॉर्मूले हैं, ज्योमेट्री आदि के भी फॉर्मूले हैं इसमें कुछ। इसके बाद इंफॉर्मेशन से संबंधित सेल इंफॉर्मेशन, कई सारे इसमें दे रखे हैं फॉर्मूले, ये देखिए इंफॉर्मेशन संबंधित। कंफर्मेबिलिटी के से संबंधित भी फॉर्मूले दिए हुए हैं इसमें बहुत सारे, ये देखिए। इसके बाद वेब में जाके भी हम कई सारे फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि एक्सेल अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसमें फाइनेंशियल लॉजिकल टेस्ट डेटे टाइम लुकअप लॉजिकल बेस फॉर्मूले मैथ्स और टिक्नोमेट्री और मोर फंक्शन में आपने देखा स्टैटिकल इंजीनियरिंग क्यूब इंफॉर्मेशन कंपेबिलिटी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और कुछ फॉर्मूले ऑटो, जैसे ऑटो करना हमें इसमें केवल फील्ड को सिलेक्ट कर और ऑटो हो जाते, तो इतने सारे फॉर्मूलों का प्रयोग हम एक्सेल में कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन जाना कि कितने प्रकार के फॉर्मूले एक्सेल में प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इनमें से कुछ लॉजिकल जो फॉर्मूले होते हैं उसका प्रयोग करना यहाँ सीखेंगे कि कैसे इन फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है और कैसे आप सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।